मेरा नाम शराज अहमद अवान है और मैं ISSB से दो दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए थी, जबकि मेरी दूसरी ISSB पाकिस्तान आर्मी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि हाउ मेनी वैट इज इम्पॉर्टेंट टू क्वालिफाई योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे वैट भी कहा जाता है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं एक जुमला लिखने के लिए। आपको 100 वैट आते हैं जो कि आपको 10-10 सेकंड के फासले से लिखने होते हैं। इतने कम टाइम का मकसद ये होता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ बैठी हुई है वो निकल के सामने आ सके, और इतने कम टाइम के अंदर आपके पास आल्ट्रेशन का भी चांस नहीं होता, यानी कि पहली सोच जो भी आपके माइंड में आती है आप वो लिख देते हैं। इससे आपके ओरिएंटेशन और पर्सनैलिटी का पता चलता है, एंड इट गिव अ लॉट ऑफ हिंट अबाउट योर पर्सनैलिटी टू साइकोलॉजिस्ट। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ मैनी वेयर टू डू, एंड आई विल डू द एनालिसिस कि कैसे आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का नाम सुनते हैं तो एक चीज़ हमारे माइंड में आती है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ वर्ड विद अनदर वर्ड। तो बहुत से कैंडिडेट्स इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारी राइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, हम इतनी जल्दी जल्दी वैट को नहीं लिख सकते, क्या हम कुछ वैट छोड़ सकते हैं? तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि आपका ये वैट छोड़ना आपकी नॉट रिकमेंडेशन का सबब भी बन सकता है, क्योंकि जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का एक भी जुमला छोड़ता है तो साइकोलॉजिस्ट के माइंड में एक चीज क्लिक करती है कि व्हाई द कैंडिडेट वेंट ब्लैंक फॉर दैट वर्ड। इसके माइंड में इसके मुतल्लिक जुमला क्यों नहीं आया? इट्स पॉसिबल कि आपको उस लफ्ज़ का मतलब ही ना पता हो, इट्स पॉसिबल कि आपके माइंड में उस वर्ड का मतलब ना हो, लेकिन अगर कोई बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपने उसके मुतल्लिक ही जुमला नहीं बनाया, जब आप कोई जुमला छोड़ते हैं तो साइकोलॉजिस्ट का माइंड एक ही तरफ जाता है कि इसने इस जुमले को छोड़ा है तो इसका मतलब है कि इसके माइंड में कोई नेगेटिव चीज आई है जिसने इसे इस जुमले को छोड़ने पर आमादा किया। क्योंकि हम जैसे बहुत से लोग जब ISSB देने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में होता है कि जी कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखनी बैठ के, तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है नेगेटिव तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि यहाँ पे लिखे क्या। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात चलती है आपकी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और SRT तक। साइकोलॉजिस्ट देखता है कि यहाँ पे इसने जो वर्ड छोड़ा है क्या उसका इम्पैक्ट इसके थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से कहीं से मिलता है। यहाँ पे अगर ये किसी चीज के ऊपर ब्लैंक हो रहा है, फिक्रमंद हो रहा है या टेंशन में आ गया है या इसका माइंड ब्लैंक हुआ है, तो क्या वहां पे भी इस तरह की कोई चीज है? अगर तो ऐसी चीज वहां से भी उसके हिंट मिलते हैं तो उसे पॉइंटर बना लेता है और आपको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर पूछता है, सिचुएशंस वैसी डालता है ताकि आपको जज कर सके। तो वैट को कभी भी ना छोड़े, तो अपने माइंड में रखें कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वैट को लिखना है, और ये तभी आप लिख सकते हैं जब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं बहुत तेज लिख लेते हैं, चंद ही मिनटों के अंदर बहुत से सफ़े ऐसे के भर देते हैं, वो भी बैट के अंदर उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस चाहिए और सिर्फ उसी प्रैक्टिस के बाद ही आप बैट को मुकम्मल तौर पर हल कर सकते हैं। YouTube के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां पे आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की स्लाइड्स मिलती हैं जिसके अंदर हर वर्ड 10 सेकंड के बाद चेंज होता है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के कागज और पेंसिल लेकर आप बैट की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तब आपकी वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। सो कोशिश करें कि आप कोई भी वैट को ना छोड़ें और तमाम के तमाम वैट्स को पूरा करने की कोशिश करें। वैट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे करके जाएं ताकि आप वैट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें और कोई वैट छोड़ना आपकी नॉट रिकमेंडेशन का बायस ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।